गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिब्लिंग्स लाइव। तो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं बहुत सारे कोरियन नूडल्स। आपको तो पता है हम लोग के चैनल पे कोरियन नूडल्स के वीडियो भर भर के पड़े हुए हैं, बट आज हमारे पास है इतने सारे कोरियन नूडल्स। मतलब आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये है तप्पुकी। मतलब ये भी कोरियन ही है, तो हमने सोचा अगर हम नूडल्स ट्राई करते हैं तो ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा तप्पुकी खाते हुए। तो अब हम देखते हैं कि तुम इन सारे नूडल्स में से तुम किस नूडल्स को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो। ये बुलदाक का चीज हॉट चिकन फ्लेवर रामेन। हाँ, मैंने मतलब पिंक कार्बोनारा। मतलब गाइस, हमने जो भी नूडल्स ट्राई कर लिया पहले वो हमने नहीं रखा, जैसे आपको पता हमने ब्लैक बीन नूडल्स ट्राई किया एंड स्पाइसी नूडल्स कार्बोनारा। तो कार्बोनारा भी हमने ट्राई किया जो कि पिंक पैकेट में होता है, बट आई थिंक ये उसी फ्लेवर का, ये भी चीजी फ्लेवर है। तो मुझे भी ट्राई करना, क्योंकि आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और ये शिन रामेन का किमची नूडल्स, ये भी मुझे बहुत ट्राई करना है, क्योंकि किमची तो मेरा फेवरेट है। हमारा फेवरेट है, तो भी कल ट्राई किया है। आई मीन कोरियंस का फेवरेट है, क्योंकि साइड डिश में ये लोग बहुत खाते हैं किमची। तो ये वाला तो काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा है, उसपे लिखा भी है सुपर स्पाइसी। तो ये तो मैं आई थिंक नहीं हूँ एक्साइटेड ट्राई करने के लिए, बट मुझे देखना है कि ये जो बुलदक नूडल्स हम चैलेंज के लिए ट्राई करते हैं ना, जो 2x 3x होता है, सॉरी हमने 2x तो नहीं ट्राई किया ना, 3x ट्राई किया हमने। तो आई डोंट थिंक सो उससे ज्यादा स्पाइसी होगा, तो मैं भी इसकी तरह सेम ये येल्लो वाला ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हूँ। एंड आई थिंक शिन रामेन, क्योंकि ये जंक फूड का बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि बारिश अभी भी हुई और इतना उमस हो रहा ना ह्यूमिडिटी, उसके साथ साथ मैं इस वाले नूडल्स को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड, क्योंकि जंक फूड का फेवरेट है। चलो बनाते हैं। हमारे पास गाइस कितने नूडल्स हैं, 4, 4, 8 और इसको मिला के तप्पुकी को। तप्पुकी ये नूडल्स नहीं है, लेकिन ये हम ट्राई करने वाले हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। हमारे पास 8 नूडल्स हैं और 1 तप्पुकी है, तो यार बहुत ज्यादा टाइम लगे इसको कुक करने में। तो चलो, आर यू एक्साइटेड? 3, 2, 1 ऑलरेडी ये नूडल्स टूटे हुए, पागल हो क्या? तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने सारे नूडल्स हैं। ओह माय गॉड, मैं इसको ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड किशन भी, और किमची रामेन को, एंड हाँ इसको भी। ये सबसे मुझे डर लग रहा है इसको ट्राई करने में और इसको ट्राई करने में। बहुत लोग बोलते हैं ये जो ब्लैक वाला पैकेट है ना, ये उतना स्पाइसी नहीं होता है, लेकिन मुझे देख के ये डर लग रहा है इसको और इसको, कि इसमें रेड भी लिखा है, रेड सुपर स्पाइसी, और इसके मुंह से तो धुआं ही निकल रहा है। ओह माय गॉड किशन। सो गाइस, सारे ट्रे में हमने नूडल्स रख दिए, आप दीदी इसमें से ट्राई करेंगी। इन्होंने नहीं देखा इसमें कौन सा ऊपर रखा कौन सा नीचे, दीदी आप जो चूज करेंगी वो पहले ट्राई करने वाले हैं। ओके, मुझे बहुत डर है मैं सुपर स्पाइसी वाला ना ट्राई कर लूं। तो तुमने ऊपर नहीं रखा सुपर स्पाइसी वाला? नहीं। ठीक है, तो तुम ला रहा तो नहीं, गिर रहा था वो। कौन सा चूज कर, ये वाला कर लो क्या? की मर्जी, ये वाला कर लो। ओ क्या, आगे खोलूं? हां। इसके ऊपर मैंने रखा था, लेकिन आपने साइड कर दिया स्पाइसी वाला, ये नीचे रह गया। हाँ, इसके ऊपर मैंने स्पाइसी वाला रखा था, सुपर स्पाइसी वाला। बच गई। ओके गाइस, मैंने ओके, तो अब हम इसे बॉइल करेंगे अच्छे से। इसमें 2 पैकेट मिले, एक स्पाइसी वाला, भाई ये तो सारे कोरियन नूडल्स में मिल जाएगा आपको। एंड ये है आई थिंक चीज पाउडर। हाँ, इस पे लिखा भी है चीज। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये मीठा खाने लगी, पहले डाल देते हैं और हमें पूरा डालेंगे ताकि हमें रियल पता चल जाए कैसा, ऐसे देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। लेट्स सी, अब हम इसके अंदर डालेंगे चीज पाउडर। ये गया इसके अंदर चीज पाउडर। गॉड, ये चीज पाउडर काफी ज्यादा येलो है, तो चीज पूरा अंदर वो हो गया, चिपक गया, तो उसमें बहुत मुश्किल हो रही है चीज को निकालने में, बट फाइनली हमने निकाल लिया। वैसे ये मेरा भाई नूडल्स बना रहा है, मैं बस यहाँ पे इधर से उधर कैमरा लेके नाच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से हमने कांच वाली वो खोली है, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम अमीर लगे। येलो वाला नूडल्स हमारा ये है, बुलदाक चीज नूडल्स। 3, 2, 1 गो। लेकिन स्पाइसी भी नहीं है उतना, है तो स्पाइसी कोरियन लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है। इसमें चीज का भी फ्लेवर आ रहा है, मैंने सोचा था कि ये उतना स्पाइसी नहीं होगा, बट है स्पाइसी ये। इसको स्पाइस पसंद है और चीज, उसके लिए परफेक्ट है। तो चबाना भी पड़ रहा है, बहुत च्यू करना पड़ रहा है। आज सब मैंने जितना भी वो रेड वाला ट्राई किया उससे तो अच्छा ही है, मैं इसको खाऊंगी फिर से ट्राई करूंगी। तुम जरूर इसको ना 10 से आप ना मार देंगे। 7.5 बस, 8.5
चलो इसको मतलब पसंद है। गाइस हमने डिसाइड किया कि हम स्पाइसी वाला लास्ट में खाएंगे क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम होगी। हम ट्राई करने वाले हैं ये किमची वाला एंड मैं तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने किमची 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 के ड्रामा में हर जगह इतना सुन लिया कि अब मेरा मन है फाइनली ट्राई करने का। बट लेट्स सी किमची का टेस्ट कैसा होता है। बट तो मैंने कभी नहीं खाया जो इस वीडियो में मैं धुलने वाली हूँ सेम पॉट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है किमची नूडल्स। ओ भाई साहब सीड की तरह कुछ है टाइप है आई सी बेड। ये क्या है फ्लेक्स वो ये पता नहीं चाहिए फ्लेक्स है और ये है सूप बेस। ओके तो इसको सूप की तरह बनाना है आई थिंक। और ये नूडल्स टूट गए हैं कोई बात नहीं। और ये नूडल्स बाकी कोरियन नूडल्स से पतले है ना। हाँ, ये थोड़ा मैगी के मैगी के शेप में है। नूडल्स का पानी नहीं ड्रेन करना क्योंकि उसको सूप ही फॉर्म में बनाना है इसीलिए हम ये वेजिटेबल्स पहले ही ऐड कर रहे हैं ताकि ये भी कुक हो जाए अच्छे से। और ये है फ्लेक्स वगैरह सूप का जो बेस होता है वो है। यार मुझे सूपी चीजें पता नहीं क्यों बिल्कुल नहीं पसंद है बट खैर मुझे पसंद है। लेट्स सी बारिश का मौसम आई थिंक अच्छा। हाँ ये वही लग रहा है। आई थिंक नेक्स्ट नूडल्स है वो किमची नूडल्स है। मैं स्मेल भी आ रहा है तो आई थिंक ये किमची का स्मेल है। ओके तो ट्राई करते हैं ये थोड़ा सूपी फॉर्म में है। गाइस लाइट चली गई इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा हो बट ट्राइपॉड आ भी गए। बहुत गर्म है रे मेरे हाथ चल रहा है जितना एक्सपेक्टेशन था उतना अच्छा नहीं है। बाकी ये जो नूडल्स है ये बहुत ज्यादा चूवी है मतलब इसको बहुत ज्यादा वो करना पड़ रहा है एंड स्लीपरी भी है एंड मैंने जितना एक्सपेक्टेशन सोचा था वैसा नहीं है। इसमें जो किमची का फ्लेवर है बहुत फेक आ रहा है। प्रिजर्वेटिव्स डाले ना इसमें नमक ज्यादा लग रहा है ना नमक बहुत ये बाकी कोरियन नूडल्स से बिल्कुल अलग है। स्पाइस देखा जाए तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। इसने तो मेरा एक्सपेक्टेशन तोड़ दिया। मैंने सोचा था बहुत टेस्टी होगा बट ऐसा नहीं। आई थिंक जो किमची जो अलग से खाते हैं वो लोग आई थिंक वो अच्छा होगा टेस्टी होता होगा। तो मैं इसको रेट करूंगी 10 में से 4 मैं 6 क्यों दोबारा ऑर्डर करने वाले हूँ। अब हम मोस्ट फेमस कोरियन नूडल्स ट्राई करने वाले जो कि सामयांग का बुल्दक है एंड आई थिंक ये ओरिजिनल फ्लेवर है। लाइक वहाँ पे अगर कोई स्पाइसी नहीं खा पाए वो तो चैलेंजेस के लिए वो रेड वाला पैकेट बना है बट ये वाला आई थिंक वहाँ पे जब किसी को बुल्दक खाने का मन करता है ना तो ये खा लेते हैं एंड लोग ये भी बोलते हैं कि ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होता वो तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। जब चीज वाला स्पाइसी था तब ये देखते हैं कितना स्पाइसी होता है। मेरा स्पाइस टॉलरेंस ज्यादा नहीं है इसलिए मुझे डर लग रहा है ट्राई करते हुए। ये ओरिजिनल फ्लेवर ज्यादा स्पाइसी ना हो बट ये क्या है व्हाट इज दिस। इसमें ये जो बनी है जो मुंह से हमें धुआं फेंक रही है तो हर एक पैकेट में छपी रहती है ना ये लोगो लगता है मुझे। ये तो काफी ज्यादा बड़ा है ये तो रेगुलर की कलर है। ओ माय गॉड इसके अंदर भी ये रेड वाला सॉस है गाइस। अरे ये सॉस डाले लेकिन काफी ज्यादा ये रेड लग रहा है। ओ माय गॉड मन कर इसको पी जाएं। मेरा इंट्रूसिव थॉट कह रहा है सब पी जाओ और आंख में डाल दो। लो लो मेरा भी इंट्रूसिव थॉट कह रहा है कि तुम्हारी आंख में डाल दूं ये सारा सॉस। माय गॉड गाइस ये बहुत रेड है। मिक्स में आप ही बात कर लीजिए गाइस अपने नहीं तो आंख में चला जाएगा। हम इसको अच्छे से लो इसके अंदर पूरा। गॉड गाइस थर्ड नूडल्स है ये बुल्दक नूडल्स। मेरा आंखों में चला गया उसका वो। इसको ट्राई करने के मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी हूँ। वो ये तो वो जो येलो पैकेट था जिसमें चीज था उससे भी कम स्पाइसी है। हमने पूरा सॉस डाला था आपको पता है। ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है वो इसलिए ये ओरिजिनल मतलब रेगुलर है जिसको ये लोग खाते हैं। ये 2x 3x 10x नहीं है। अब हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं चबाने के अलग होते हैं। ये देखने में ही स्पाइसी है लेकिन तो वैसे का जो टेक्सचर है ना बाकी नूडल्स की तरह है चूवी है मोटा है थिक है सॉस भी स्वीट भी है ये थोड़ा। हाँ बाकी बुल्दक नूडल्स की तरह ये स्वीट भी है बट स्पाइसी उतना नहीं है। तो मैं ये भी ऑर्डर करूंगी क्योंकि काफी ज्यादा टेस्टी है। मेरा कभी भी मन करेगा ना नूडल्स खाने का तो मैं वो रेड वाला पैकेट आज कल से कभी नहीं ऑर्डर करने वाली। इससे पहले मैं रेड वाला ऑर्डर करती थी जब मेरा मन करता था कोरियन नूडल्स खाने का और सॉस हम थोड़ा सा ही डाल देते हैं। मैंने सोचा था जो लोग कोरियन नूडल्स खाते हैं उनको पसंद कैसे है मतलब कैसे खा लेते हैं क्योंकि बहुत स्पाइसी रहता है बट ये वाला खाते हैं ब्लैक वाले नूडल्स। अब बहुत सारे मकबैंगर्स को भी देखना कोरियंस के वो यही वाला खाएंगे। मुझे लगता था कि इतना स्पाइसी टॉलरेंस इन लोगों का कैसे है बट ये नॉर्मल है गाइस आप इसको ऑर्डर करके खा सकते हो। मैं इसको रेट करूंगी 8 ऐसी नहीं है लेकिन
थोड़ा स्वीट है जो कि मुझे नहीं पसंद है नूडल्स, इसलिए मैं भी 8 दूंगा। उम्मीद हो गया हाँ। मेरा भी 8 है क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट लगा अब तक के नूडल्स में। तो ये रहा हमारा 4th नूडल्स, ये हमने थोड़ा सा फाड़ लिया है तो तब हमें याद आया कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये वाले नूडल्स मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है ट्राई करते हैं, स्पाइसी लेवल इसका 5th है। यहाँ पे मिर्ची बनी है जिसपे 5th लेवल लिखा है, लगता है छोटा पैकेट बड़ा था हमारा। ये नूडल्स तो काफी छोटा है, छोटा ही नहीं खोटा भी है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बताया कैसे बनाते हुए देखा है। ये नूडल्स बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद पाउडर, ये जो आई थिंक ऑयल है ये डालते हैं। जितना बड़ा नूडल्स नहीं उससे बड़ा तो ये दोनों पैकेट है। गाइस इसका पानी अच्छे से एकदम हो गया, ऑब्जर्व हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पॉट भी जल गया है। तो अब हम ये डालेंगे, आई थिंक इसको पहले नहीं डालना है, कोई बात नहीं वो डालना है पहले, वो उसको डालो। बट ये गिर जाएगा, मैं पकड़ लेती हूँ। पहले हमें ये पाउडर वाला डालना है, ऐसे सब पेट में ही जाएगा, मिक्स होगा। देखना आराम से, तुम ऐसे कट कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है तुम्हारा हाथ ना कट जाए। ओके अब हम ये डालेंगे पहले पाउडर वाला, फिर हम ये लिक्विड वाला डालेंगे। ओह यार ये कितना रेड है, बाप रे। लग रहा है सोया सॉस कुछ ऐसा है, नहीं मुझे तो नहीं लगा सोया सॉस का कलर इतना रेड होता है, चिल्ली का सॉस लग रहा है। मिक्स 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 मिक्स। आप लोग ये बताओ कि मैं कोरियन नूडल्स ट्राई कर रही हूँ और मैं अपने बालों को खुला रख सकती हूँ? नहीं, इसलिए मैंने अपने बालों को क्लोजर से बांध लिया है क्योंकि ज्यादा ही लेवल स्पाइसी हो रहा है। स्पाइसी हो रहा है, इसका स्मेल चिली होता है, चिली गार्लिक इसका टेस्ट आ रहा है क्योंकि इसमें लिखा भी स्वीट चिली का आपको टेस्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसे ट्राई करते हैं। आप देख सकते हो उसका कलर कितना वो है, रेड है। इसका स्ट्रॉन्ग बस स्मेल है उसका, गार्लिक का एंड चिली का। इसका कलर भी बहुत अच्छा है एंड इसके नूडल्स काफी पतले हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इसमें साफ साफ लाल मिर्च का टेस्ट आ रहा है, जो लाल मिर्च वो है काफी ज्यादा स्पाइसी है यार। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया। तो मैं और ट्राई करता हूं, मैंने अच्छे से ट्राई नहीं किया लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने लाल मिर्च मुझे खिला दिया हो, उसका जो फ्लेक्स होता है ना, टेस्ट भी पूरा मुंह का वैसे ही हो गया, फ्लेक्स फ्लेक्स की तरह। प्लीज आप लोग उसको ट्राई मत करना, गंदा टेस्ट है, पूरा लिप्स भी लाल हो गया इसका, मुंह देखो इधर, इसने तो लिपस्टिक नहीं लगाई है। मैं इसको 3 दूंगी और वो भी 3 इसलिए क्योंकि उनकी कोशिश की वजह से, इसको स्पाइसी बनाने के लिए बहुत गंदा है। मैं इसे 4। गाइस हम लोग ने डिसाइड किया कि हम ये दोनों नूडल्स नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि दिखा रहा है कि ये नूडल्स जो है वो कोरियन नहीं है। मे बी दूसरी कंपनी ने इसमें कोरियन का लोगो इसलिए लगाया ताकि लोग इसे खरीदे क्योंकि कोरियन नूडल्स का काफी ज्यादा वो है और उसमें से हम भी है जो हमने खरीद लिया कोरियन नूडल्स समझ के, बट ये कोरियन नूडल्स नहीं है। इसमें लिखा है लिखा तो लैंग्वेज तो मुझे पता है कोरियन है, क्वालिटी ने बनाया है और यहाँ लिखा भी है ये नेपाल। तो ये दोनों हमारे उससे आउट है, बट इसका शॉर्ट्स में बनाऊंगी तो वो देखना आप लोग मत भूलना। गाइस हमारा फाइनल नूडल्स है वो शिन रामेन, ये है और ये शिन रेड है जो कि सुपर स्पाइसी है। तो ये तो लास्ट में हम खाएंगे, बट इससे पहले हम शिन रामेन खाएंगे जो कि है जंगू का फेवरेट एंड ये नूडल्स काफी ज्यादा टूट गया सब इसकी वजह से। तो नहीं इस नूडल्स को भी हमें सूपी में फॉर्म में बनाना है, यहाँ पे लिखा नूडल्स सूप है जो कि इंस्टेंट नूडल्स है। ये भी टूट गया दीदी की वजह से, तुम्हारी वजह से तुमने फेंका था। सूप का बेस एंड हमारे नूडल्स रेडी हुए बॉयल हो गया, तो उसके अंदर हम डालेंगे ये। भगवान ये लड़का भूल गया इसमें डालने का, ये नूडल्स के साथ ही बॉयल होगा। ये वो भूल कर कह रहा है मुझे पता था, तब तुमने क्यों नहीं डाला, तब तो इसने जानबूझ के किया है। सारे काम रहते हैं, मसाले डाल दिया इसने वो, तो ये अब डाल रहा है अभी को पागल। पहले डालना था वो ताकि सूप के साथ वो बॉयल हो जाए वेजिटेबल्स, ठीक है कच्चे कच्चे आएंगे। क्या लकड़ी जैसा है ये देखो, वो मशरूम है पागल। ओके गाइस हमारा शिन रामेन रेडी है एंड चलो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। ये शिन रामेन नूडल्स सूप इंस्टेंट नूडल्स, इसका टेस्ट पता है किसकी तरह आ रहा है? ये जो हमने किमची वाला नूडल्स ट्राई किया ना, सेम किमची उसी तरह आ रहा है ना। ये थोड़ा पतला नूडल्स है मैगी की तरह, बाकी नूडल्स की तरह नहीं, ये मुझे किमची वाले नूडल्स की तरह ही लग रहा है, बट लेट्स ट्राई। मुझे नहीं लगता है ज्यादा स्पाइसी होगा। हाँ वैसे देखने में स्पाइसी नहीं लग रहा। 3, 2, 1 इसका भी टेक्सचर सूप की तरह है, नूडल्स एकदम वो लग रहा है मैगी, देखने में भी मैगी लग रही है। ये मुझे किमची नूडल्स लग रहा है, मुझे लगता है सूप का जितना भी नूडल्स है सेम है। इसके अंदर आपको अनियन मिल जाएंगे, कैरेट मिल जाएगा, मशरूम है, सोयाबीन। वैसे वेजिटेरियन है गाइस, आप जो वेजिटेरियन है वो भी ट्राई कर सकते हैं, ये टेस्टी है, बट फिर भी मैं इसको 7 दूंगी। मैं इसको फिर से ऑर्डर करके खा सकती हूँ, ये उतना अच्छा नहीं है कि मैं इसे बार बार खाऊंगी, बट हाँ मेरा अगर मन करेगा, क्रेविंग होगी मुझे नूडल्स खाने की, तो मैं शायद इसको खा सकती हूँ। ये ना तो खा सकते हैं हाँ। मैं इसे 8 देता लेकिन इसका तो टेक्सचर है मैगी की तरह सॉगी सॉगी, इसलिए मैं इसको 7.5 दूंगा। इसका
उसको ट्राई करने से पहले चलो टप्पुकी ट्राई करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम मैं टप्पुकी खाने वाली हूँ। ओके, तो अब बारी है राइस नूडल्स की। राइस नहीं, राइस के। This is Tappuki and मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा excited हूँ। मैंने इस वीडियो में 20 बार बोल दिया होगा। Guys, so इस spot के अंदर हमें मिला है ये Tappuki, जो कि एकदम अभी वो है, thick है। And then हमें मिला है cheese powder, एक spoon and एक ये। तो हम यहाँ पे अभी गर्म पानी कर रहे हैं। इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लाइन कहाँ पे बनी है, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि उतना ही पानी आपको ऐड करना है। लिली, हमें लाइन मिल गया जो कि ये आपको जो ये दिख रहा है ना लाइन। हमारा नूडल्स अंदर माइक्रोवेव हो रहा है, हमने 4 मिनट का टाइमर सेट किया है। लेट्स सी, तेरे से पैकेट फूल रहा है क्या? याद है पिज्जा चैनल में क्या हुआ था हमारा? पूरा फट गया था। अब देख सकते हो हमने पिज्जा घर पे बनाया था, उसमें क्या हालत हुई थी। ओके गाइस, तो ये बिल्कुल पक चुका है, अब हम इसको निकालते हैं बाहर। काफी ज्यादा गर्म है, मुझे लग रहा है मैं इसको कैसे निकालूं। माय गॉड, तुम कैमरा पकड़ लो, मैं दोनों हाथ से कैमरा गिरा दो। तो हमारा टप्पुकी बिल्कुल रेडी है, मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं इसे कब खाऊं। ये तो कह रहा कि मैं ऐसे ही खा लूंगा विदाउट कैमरा है, बट मैंने बोला कि नहीं। अच्छा, नहीं बोला इसने, बोला है ना, लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं तो इस वाले स्पून से खाने वाली जो मिला था, ये कह रहा कि मैं छोटा हूँ मैं खाऊंगा। मैंने बोला कि तुम्हें मजे लोगे क्या छोटे हो तो? ये पता है किसका टेस्ट, वो जो हमने खाया ना चीजी वाला येलो वाला पैकेट जो था बुलदक का, उसी की तरह होगा। एक और चीज की इसमें क्या बोलते हैं, ज्यादा फ्रांस खाइएगा। हमने नूडल्स कार्बोनारा वाला खाया था, मैंने ट्राई किया था, उसी की तरह लग रहा है, क्योंकि ये भी पिंक था, बस ये राइस केक है। बहुत ज्यादा स्पाइस वो है, चूवी काफी ज्यादा टेस्टी है। जिसको ऐसा टेक्सचर पसंद हो ना चूवी, वो ये खा सकता है। मैं तो इसको बार बार ऑर्डर करने वाली हूँ। अच्छा, तो टोमेटो वाला टेस्ट आ रहा है। आप लोग प्लीज इसको ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है ये राइस के। इतने इसे लोग बोलते हैं के इसीलिए लोगों को टप्पुकी बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए ऑथेंटिक नहीं है, बट सच में बोलना वालो, मैं इसको कहां गया पानी मेरा। मैं इसको रेट करूंगी 9.5। मैं भी 9.5। वन इसलिए नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट है। अगर ये थोड़ा स्वीट नहीं रहता तब से रहता। स्पाइसी भी है बट उतना नहीं, मतलब चीज का फ्लेवर ज्यादा आ रहा है, टोमेटो का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है ना, बस थोड़ा सा स्वीट नहीं रहता, तो ये परफेक्ट होगा। बाकी मैं तो इसको मंगाऊंगी, खाऊंगी। मैं और ये नूडल्स भी नहीं, बट नूडल्स के चैलेंज में लग रहा है यही जीतेगा। हम मूव करते हैं जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा, जो मेरा भी मन नहीं कर रहा, सुपर स्पाइसी नूडल्स पे। ओके गाइस, अब आ रही है मैन ऑफ द शो की, जो कि हमारा लास्ट नूडल्स है, जिसका नाम है सुपर स्पाइसी। ना डर है, पता नहीं, पता चला कि ये स्पाइसी ना हो। हाँ, ये वेज है, यहाँ पर देखने पे लग रहा है। ओके गाइस, अब ये कट रहा है एंड बोल का पानी बिल्कुल गर्म है, एंड हमें आई थिंक इसको सूप की तरह बनाना है। वाओ, ये भी पूरा सर्कल है। तुमने इसको पैकेट इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा है, आप देख सकते हो एकदम रेड रेड, एंड ये इसके अंदर आई थिंक वेजीज हैं। ओके गाइस, तो हमारा नूडल्स बॉयल हो गया, एंड अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं ये जो फ्लेक्स था, इसके अंदर भी मशरूम वगैरह वेजीज वगैरह है। यही है रियल हीरो जो कि उसको स्पाइसी बनाने वाला है ना। ये नहीं स्पाइसी हुआ तो क्या ये वेजीज स्पाइसी हो? क्योंकि आज मम्मी रहा था, देख सकते हो ये कितना काला लग रहा हूँ। माय गॉड, क्या क्या है यार, ये तो हॉर्लिक्स लग रहा है। ये शिन रामेन की तरह लग रहा है, वैसे उसी का बाप है ये, वो बेटा था शिन रामेन, एंड इसमें से भी वही उसी की स्मेल आ रही है। एंड ये किमची नूडल्स की जो कि खत्म है, बिल्कुल हमारे यूट्यूब करियर की तरह। क्या अभी तक तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने दिया येलो वाले को, चीज वाले को, जो मैंने दिया 8.5। आपको एक बात बताऊं, अगर हम शिन रामेन को और इसको एंड किमची नूडल्स को एक साथ एक बोल में रख देंगे ना, और किसी से पूछेंगे कि इन तीनों में से बताओ कौन कौन सा है, तो वो नहीं बता पाएगा। बस उसमें स्पाइस का डिफरेंस है, कोई ज्यादा स्पाइसी है, थोड़ा कोई कम स्पाइसी है। बट लेकिन देख के आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इन तीनों में मतलब कौन सा, क्योंकि तीनों देखने में सेम लग रहे हैं। नहीं है स्पाइसी लग रहा, स्टार्ट हो रहा स्पाइस लेकिन बिल्कुल नहीं है। टेस्ट इसका डिट्टो शिन रामेन की तरह है, स्पाइसी नहीं, बस ऐसा है कि उसमें अगर उन्होंने एक चम्मच मिर्च मिलाया होगा
तो इसमें 2 चम्मच मिलाया होगा। बस यही डिफरेंस है, हम खा कर इतना डर रहे थे ना, बस शिट रामेन का। आज हमने जितना भी चैलेंज किया उसमें से एक भी ढंग का स्पाइसी नहीं था, जबकि हमने अलग अलग वीडियो बनाया है नूडल्स पे, कोरियन नूडल्स पे, जो कि बहुत स्पाइसी थे, हम लोग एकदम पागल हो गए थे। बट ये वैसे स्पाइसी नहीं, आप इसको हैंडल कर सकते हो, बट ये डिड तो सिन रामेन की तरह है यार। कॉपी नहीं करते हैं, कॉपीराइट लेना चाहिए। वो सेम ही है, अच्छा है। बस वो सुपर स्पाइसी है, वो माइल्ड है। ठीक है, टेस्ट इसका ठीक है, बारिश के मौसम आप खाओ मजे करो। बट हमने इतने सारे नूडल्स खा लिए ना कि मैं 1-2 महीने तक कोई भी नूडल्स खाने वाली नहीं हूँ। गाइस, तो इस नूडल्स को मैं रेट करूंगी 5 and 7, क्योंकि ये में टेस्ट मेरे लिए अच्छा, तो इसको तो मतलब सब अच्छा। मतलब ये सिन रामेन का डिटो कॉपी है, बस सुपर स्पाइसी लिखा था, बट उतना स्पाइसी नहीं। मुझे तो लग रहा है सिन रामेन का ही स्पाइसी, मैंने गलत बोल दिया कि उन्होंने इसमें 1 चम्मच मिलाया होगा, सॉरी उसमें 1 चम्मच स्पाइसी मिला होगा, इसमें 2 चम्मच, बट स्पाइसी लेवल भी सेम है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया और सारा स्पाइसीनेस गायब है। ये तो अभी भी खा रहा है, बट मैं तो अब कोरियन नूडल्स नहीं खाने वाली हूँ, मुझे लगा ना तुम्हारा यही होगा तुम्हारे साथ। यो आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें तो काफी मजा आया इस वीडियो को ट्राई करने में, नए नए एक्सपीरियंस मिले एंड हमें पता चल गया कि कौन सा नूडल्स हमें ऑर्डर करना कौन सा नहीं करना, एंड आपको भी आई थिंक पता चल गया होगा कि आपको कौन सा नूडल्स खाना है। तो मेरे लिए तो विनर है ये, तो विनर है ये जिसको मैंने रेट किया था 8, मेरे लिए ये जिसको मैंने रेट किया था 8.5, मुझे पसंद आया। तो ये नूडल्स नहीं है, लेकिन ये नूडल्स को रिप्लेस कर सकता है, नूडल्स जहाँ ये खा सकते हैं। नहीं बट ऐसा नहीं है, ये नूडल्स है इसलिए हम इसे नहीं इंक्लूड करेंगे, वरना यही विनर हो। यार गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज कमेंट करो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना यहाँ पर है, और मुझे भी नहीं इनको नहीं मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।